हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लो। सो आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे ना कि मैं कब नया वीडियो डालूं, तो आ गया एक नया वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो बोरो किया गया है, कहां कहां से कौन कौन सा प्रोविजन जो लिया गया है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, तो जान सुनिए बच्चे लोग कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे कंट्री से लिया गया है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारे देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसको स्टडी कर दिया गया, और स्टडी करने के बाद वैसे प्रोविजन जो हमारे इंडिया कानून के लिए हमारे इंडिया में जो है वो लागू होना चाहिए, जो कि फिट खाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सिचुएशन उसे हिसाब से फिट खाए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली जो जो थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो क्या किए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे पढ़े, ठीक ना। जैसे कि ये देखिए बाबू लोग, यहाँ पे एक सेकंड में नीचे करता हूँ, पिक्चर बना दो। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। ये पढ़ने के बाद उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बना, और जो जो प्रोविजन जो थे वो अच्छा लगा, वो हमारे देश में शामिल हो गया। तो आज हम बात करेंगे बाबू लोग, एकदम ध्यान से सुनिएगा सब कोई बच्चे लोग, कि कौन कौन से कंट्री से हम लोग क्या क्या लिए हैं। बच्चे, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और आपको जानना जरूरी है माय डियर, ओके ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इसका नोट फ्री में डाउनलोड करना है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ सबका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री में देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है विजडम ऑफ लो है, ठीक ना। इसी यूट्यूब चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, और इसका लिंक जो है बाबू लोग आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। आप लोग क्लिक कर सकते हैं, आप लोग चैट भी कर सकते हैं हमसे, और पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो मैं आपको हेल्प करूंगा। बस हमारा एक छोटा सा डिमांड होता है बाबू लोग, क्या करना है आप लोग को, चैनल को क्या करना है, शेयर करना है, एकदम लाइक का बटन ठोक देना, एकदम पर ठोक दो, एकदम चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, एकदम पूरा एकदम उसको बेल आइकन को ऑन कर दो। बस इतना डिमांड है, आप देखो उसके बाद हर चीज फ्री में मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं, ओके ना। अब नहीं करना सब्सक्राइब तो मत करो, क्या कर सकते, नहीं करोगे तो हम तो जबरदस्ती पकड़ाएंगे, नहीं करो करो भाई, है अच्छा लगेगा तो खुद करोगे, नहीं मन करेगा तो मत करोगे, होगा तो। चलिए बाकी बकवास नहीं करते हैं, तुरंत शुरू करते हैं हमारा वीडियो को। देखो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बहुत सारे कंट्री से लिया गया है, और कौन कौन सा कंट्री से क्या क्या लिया गया है और उसका मीनिंग भी बताएंगे एक चीज, ठीक ना। इसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो इसका मीनिंग भी बताएंगे, एक चीज को अच्छे से बताएंगे, ओके ना। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटेन, देखिए कितनी सारी कंट्री है, ब्रिटेन से हम लोग लिए, ईरान, आयरलैंड से लिए, यूएसए, यूनाइटेड अमेरिका से लिए हम लोग, किसी तरह से कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक ना, उसके बाद ना रसिया से, ठीक ना, फ्रेंच से, जर्मनी, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान, तो ये सारे की जो कंट्री है हम लोग यहाँ से लिए हैं। तो एक एक करके आपको बताएंगे क्या क्या लिए हैं, और उसका मतलब भी मीनिंग भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। जाना नहीं बच्चे छोड़ कर वीडियो को, क्योंकि जाओगे तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं, बकवास नहीं करेंगे, बिना बकवासी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन से हम लोग लिए, हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शामिल जो हम लोग किए हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखिए, ब्रिटेन से हम लोग एक सिस्टम लिए हैं, जो कि आज जो हमारा देश है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो चलता है हमारे इंडिया में, तो हमने पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो एडॉप्ट जो किए हैं, बोरो जो हम लोग किए हैं, ठीक, बोरो जो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से किए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। पार्लियामेंट्री जो तीन भाग होता है, ठीक, पार्लियामेंट्री का एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा, एक और ये एक प्रेसिडेंट होता है। तीन चीज मिल करके पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट सिस्टम हम लोग कहाँ से लिए हैं, वो लिए हम लोग ब्रिटेन से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बाबू लोग, सेकेंड नंबर में रूल ऑफ लॉ, इसका भी मीनिंग बताएं आप लोग ऐसा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जिसमें कि होता है ये कि जो मशीनरी, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस, उसके बाद जो किसी तरह का जो होता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन बिफोर द लॉ। तो इसमें क्या है कि इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करता है कि नो वन इज अबव द लॉ, मतलब कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि हमें कि आप कानून से बड़ा नहीं होगे, मतलब इक्वालिटी, सबके अंदर इक्वालिटी होगा, ओके ना। जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो कानून से बड़ा कोई नहीं, ना कोई सिस्टम होगा, तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बच्चे, तो वो जो रूल ऑफ लॉ जो है वो लिया गया कहाँ से, कि कोई भी बड़ा नहीं, ना सरकार बड़ा, ना कुछ नहीं बड़ा, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा, ठीक है। तो ये कौन से, ये रूल ऑफ लॉ हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से, समझ गए बच्चा लोग।
ओके, आप आगे बढ़ते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो देखिए लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस जो है, एक मिनिस्ट्री का जो प्रोसेस होता है, हर चीज का लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है, जिसका मतलब है पार्लियामेंट होता है, जिसमें कि बहुत सारे क्या कानून बनते हैं। ये हो गया लेजिस्लेटिव, मान लीजिए ठीक ना। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है कि यहाँ कानून बनता है देश के लिए, अमेंडमेंट होता है, कोई बड़े बड़े चीजों का डिस्कशन होता है कंट्री लेवल में। ओके, तो ये जो लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस होता है, किसी भी कानून बनाना हो गया किसी तरह का, ओके हटाना हो गया, ओके देश में नया परिवर्तन लाना हो गया, किसी तरह कोई स्कीम लाना हो गया, तो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है जिससे हमें गुजरना पड़ता है कंट्री को चलाने के लिए। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और ये कहाँ से लिए हम लोग, ये ब्रिटेन से ही लिए हैं। उसी तरह से सिंगल सिटीजनशिप, ये हम लोग लिए हैं कहाँ से, ब्रिटेन से। और सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप जो होता है जिसमें कि एक ही सिटीजनशिप होता है। ओके, जैसे हम लोग अमेरिका का लेते हैं एग्जाम्पल, तो उसके पास दो सिंगल सिटीजनशिप है, एक अमेरिका का लेना पड़ता है और एक का किसका, एक स्टेट का लेना पड़ता है। तो वो दो को सिटीजनशिप लेगा तब उस कंट्री में उसको मान्यता होगा। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, देखिए स्टेट भी है और क्या है उसके बाद ये सेंट्रल भी है। तो आपके पास एक ही सिटीजनशिप होगा तभी आप उस देश का, कंट्री का सिटीजनशिप माना जाएगा। लेकिन अगर यूएसए में है आप आए हैं तो आपके पास दो सिटीजनशिप होना चाहिए। तो हम लोग सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिए हैं, वो ब्रिटेन से लिए हैं। और एक सिंगल सिटीजनशिप यदि आप लेते हैं तो वो अप्लीकेबल होता है कहाँ पर, पूरे होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होता है। समझ गए बाबू लोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कैबिनेट सिस्टम। तो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल जो होता है, कैबिनेट सिस्टम उसको मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो मंत्री से कि कोई भी कैबिनेट सिस्टम होता है कि इसका हर विभाग का अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, कृषि का अलग हो जाएगा, मिनिस्टर फाइनेंस का अलग हो जाएगा, ठीक है, उसी तरह से रेलवे का। तो कैबिनेट सिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, पावर जो होता है अलग होता है। कैबिनेट सिस्टम मंत्रिमंडल जो होता है बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लिए है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट लिए हैं ब्रिटेन से। ओके, जो रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी, ठीक है ना, जो रिट्स जो होता है, जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, रिटर्न क्या होता है, एक आदेश होता है, ठीक है, लोअर कोर्ट्स को, अथॉरिटी को, ठीक है, तो इस तरह का जो रिट जारी होता है वो क्या है, ये हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से लिए हैं। ओके, इसी तरह से देख, सेवन सिक्स के बाद सेवन होना चाहिए, नीचे होना चाहिए था, उस पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया मेरे से। ओके, तो कोई बात नहीं, सुनो आप मैनेज कर लिएगा उसको। देखिए नेक्स्ट हम लोग लिए हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब पार्लियामेंट्री में अभी मैंने बताया पार्लियामेंट्री जो है तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें कि हाँ ये कौन कौन होते हैं इसमें, इसमें जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें जो मेंबर होते हैं उनको, जो मेंबर जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, देखिए पार्लियामेंट्री जो होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द एक्शन डन आ स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटी। तो देखिए आई पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं, कोई एक व्यक्ति होता है, मान लीजिए ये व्यक्ति पार्लियामेंट्री में, बहुत हम लोग खुद ही उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। तो देखिए इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कैसे मिलता है इन लोगों को, कहने का मतलब ये है कि कोई भी उनके अंदर जब जब वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करोगे, मतलब जब तक उनका नौकरी रहेगा, जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, तो किसी भी तरह का उन पर क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी नहीं चलेगा। उन पर जब तक वो पावर पर रहेंगे किसी तरह का उन लोगों को क्रिमिनल लाइबिलिटी सब नहीं चलेगा, उनको इस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि वो उनको लाइबिलिटी दिया, उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है, स्पेशल मिलता है कि अगर मान लीजिए कोई पार्लियामेंट पावर में है तो किसी की अगर कोई भी कानून लाता है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग उनको जब पावर में वो लोग रहते हैं तो उनको हम लोग उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी जो केस होगा वो नहीं चलेगा ऐसा। तो ड्यूटी जब तक उनका ड्यूटी रहे उनके पास रक्षा होता है, ठीक है। ओके, उसी तरह से आप सबसे, आप देखिए ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन चिंता मत करिए, बी कैमरालाइज। तो ये बी कैमरालाइज जो होता है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बी कैमरालाइज कहने का मतलब कि देखिए हर स्टेट में जो होता है, जो जिसमें कि जो सेंट्रल लेवल में जो होता है चेंबर की बात करता है, दो चेंबर की बात करता है। बी कैमरालाइज मतलब दो चेंबर की बात करता है, दो चेंबर कहने का मतलब बाबू लोग आपको हम समझा रहे हैं, अभी समझिएगा अच्छे से। दो चैम्बर कहने का मतलब कि देखिए कि अभी हमारे दो चैम्बर है, ठीक है, स्टेट में, सॉरी सेंट्रल में। देखिए सेंट्रल में कौन सा, एक लोकसभा और एक राज्य सभा है, ठीक ना, एक लोकसभा एक राज्य सभा है। तो ये क्या है, दो इस तरह से जो हो रहा है कि इसको दो जो दो चैम्बर कौन सा हो गया, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ये जो चैम्बर जो हुए उसको कहते हैं क्या, ये सेंट्रल लेवल में ये जो है
बिकेमरलाइज इसे कहते हैं, तो दो चैम्बर होना चाहिए। और उसी तरह से आप देखिएगा ये हो गया सेंट्रल लेवल का, तो स्टेट में देखिएगा स्टेट में दो चीज होते हैं, वो क्या होते हैं, पहला होता है कि लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, विधान परिषद और विधान, ठीक है, विधान परिषद, ओके ना, तो ये जो होता है विधानसभा, विधानसभा विधान परिषद, ठीक है, दो होते हैं। तो देखिए तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल, लेजिस्लेटिव जो असेंबली जो होता है वो स्टेट में दो होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ओके। तो अगर इसमें दो तरह का जो डिवाइड कर दिया गया है, इसी को क्या बोलते हैं, वो बाई कैमरा अलाइज़मेंट कहते हैं सब कुछ, ठीक है। जैसे कि हमारे झारखंड, जैसे हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड के पास क्या है, दो चीज़ है, दोनों चीज़ है स्टेट में, क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से अगर गुजरात में देखें तो वो क्या है, वो उसमें एक चीज़ है यूनिकैमरलाइज, ठीक ना, उसमें क्या है कि एक ही चीज़ है, वो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओके ना। तो ये बात करता है बाइकैमरलाइज जो होता है दो चैम्बर की बात करता है, जो लोग एक स्टेट में हो गया क्या लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट सॉरी सेंट्रल में हो गया लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट में हो गया क्या लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ गए। तो ये सारे आठ चीज जो है वो कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, ओके। तो बच्चे लोग आप लोग घबराओ मत, वो बहुत ही आसान से और इजी लैंग्वेज से बता रहा हूँ, आप लेक्चर को सुनो, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ बता 2 मिनट वीडियो खत्म कर सकता हूँ, ये ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री रूल, लेजिस्लेटिव सिटीजनशिप, कैबिनेट रीड्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बिकमरलाइज ऐसे बोल के चल जाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दे रहा हूँ ताकि बच्चों आपको आसानी हो कोई भी कंसेप्ट को समझने में, ओके। तो चलिए, एक देश से हम लोग इतनी बड़े बड़े चीज़ें लिए, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं माई डियर, ठीक ना, आयरलैंड से हम लोग क्या क्या लिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शामिल किए हैं। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए, सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पे आयरलैंड से हम तीन चीज शामिल किए। पहला बात करते हैं क्या, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक स्टेट का क्या ड्यूटी होता है, उनका काम होता है, ठीक है, कौन कौन सा मैटर पे कानून बनाएंगे, कौन कौन मैटर से कानून नहीं बनाएंगे, तो एक क्या डायरेक्ट करता है स्टेट पॉलिसी की, एक स्टेट को किस तरह का कानून बनाना, उसका काम और ड्यूटी का है, तो ये बताता है कहाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग लिए हैं कहाँ से, ये हम लोग लिए हैं ये आयरलैंड से लिए हैं, ओके। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट का जो हम लोग इलेक्शन करते हैं वो डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं, तो उनका जो है इलेक्शन का जो मेथड है, जो कि हम लोग जो कि नॉमिनेट करते हैं, जो राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, किसका, प्रेसिडेंट का, ओके ना। तो वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, वो जो कॉन्सेप्ट है जो इलेक्शन का, वो प्रेसिडेंट का वो हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, ओके ना, इसी तरह से। और मेंबर नॉमिनेट्स ऑफ राज्यसभा, और देखिए थर्ड नंबर में ये है कि मेंबर नॉमिनेट्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। देखिए हमारे दो हाउस है, ठीक है, पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक होता है लोकसभा, ठीक है ना, एक हो गया लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद जो इंडियन सिटीजन होता है वोट देता है, और उसको हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं लोकसभा में भेजते हैं, वहाँ पर कि हमारे हित में कानून बनाए, हमारे देश समाज विकास के लिए काम करे, ठीक ना, हमारे देश हमारा देश हो गया, हमारी सोसाइटी हमारे लोगों के लिए काम करे। तो क्या करते हैं लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा में उनका जो चुनाव होता है कि हमारे द्वारा जो चुना गया है, जो भेज हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उनको चुनाव करते हैं राज्यसभा का, ठीक है ना। तो वो जो है नॉमिनेट करने का जो पावर है, कुछ सीट जो है नॉमिनेट करने का जो पावर होता है वो राज्यसभा के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसको क्या करते हैं नॉमिनेट करने के लिए पावर जो है कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेसिडेंट को भी है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। ये दो हम लोग स्टेट, दो अभी तक हम लोग ब्रिटेन और आयरलैंड के बारे में जाना, और ये बहुत ही ईजी बहुत ही आसान आप लोग समझ में आ रहा होगा, ओके ना। तो अब हम बात करते हैं बाबू लोग, ध्यान से सुनना एकदम, मेरा ईटा पत्थर सोना हीरा मोती जितना भी हो आप लोग एकदम प्यार सुनो एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोग क्या क्या लिए हैं बाबू लोग, अभी हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है ना। पहला चीज हम लोग
देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सात चीज लिए हैं, सात चीज हम लोग अडॉप्ट किए। पहला चीज क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहने का मतलब क्या है बाबू लोग, कि अगर हमें प्रेसिडेंट को हटाना होता है ठीक है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में इम्पीचमेंट लाना पड़ता है स्पेशल, ठीक है ना, इम्पीचमेंट लाना पड़ता है अगर अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के बाद बहुत सुप्रीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रेसिडेंट को अपने हटा सकते हैं, लेकिन ये इम्पीचमेंट अगर खड़ा सकते हैं, अगर कोई प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है वो कोई भी ऐसा काम करता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अपने पावर का जो इस्तेमाल करता है बियॉन्ड, मतलब ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उसके उसका जितना पावर उनको दिया गया है वो ना करके दूसरा काम कर सकता कर रहा है, तो हम लोग प्रेसिडेंट को हटाना चाहे तो इम्पीचमेंट ला सकते हैं। जो प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट को हटाने के, जो प्रोसीजर होता है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, तो वो हम लोग लोकसभा और राज्यसभा कहीं कहीं भी ला सकते हैं, ओके ना। तो इम्पीचमेंट जो होता है, जो प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रक्रिया जो होता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लिए है, ये यूएसए से हम लोग लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं, समझ के बच्चे लोग, एकदम आसान आसान है एकदम। दूसरा बात करते हैं मेरे बाबू लोग, ध्यान सुनना ऐसा, ओके ना। अ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखिए फंक्शन कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट का जो काम होता है और वाइस प्रेसिडेंट का जो काम, वाइस प्रेसिडेंट का उनका क्या क्या काम होता है, उनका ड्यूटी क्या होता है, उनका कर्तव्य क्या होता है, उनका पावर कितना लिमिट है, कितना कितना तक है, ओके। तो उन्हें फंक्शन किस तरह का काम करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका, वो हम लोग कहाँ से लिए हैं, वो कॉन्सेप्ट हम लोग यूएसए से लिए हैं, समझ के बाबू लोग, ओके आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम लोग रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, तो अगर हमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों को क्या करना है, हटाना है उनको, उनके पद से उनको हटाना है ठीक है, तो उनको हम लोग ऐसे ही नहीं हटा सकते, तो उनको हटाने के लिए भी एक प्रोसीजर से उनको उनको एक गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रेसिडेंट सबसे सुप्रीम है हमारे देश में, और ठीक है वाइस प्रेसिडेंट कितना बड़ा बड़ा पद है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं तो वो बहुत सुप्रीम होता है, लेकिन वो भी उनका भी पावर क्या है, अब्सोल्यूट नहीं है, वो लोग भी उनका भी उनको भी पद से हटाया जाएगा, लेकिन उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया भी उनको भी करना पड़ता है, तो वो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं, वो यूएसए से लिए हैं माय डियर, समझ गए बाबू लोग, ओके। अब हम लोग बहुत कहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार सब कोई गाना गाते रहता है, ओके ना, लेकिन ये जानता नहीं है बहुत कोई कि हमारा जो है मौलिक अधिकार हमसे कहाँ से लिए, तो मौलिक अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यूएसए से हम लोग लिए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और ये मैग्ना काटा से हम लोग का शुरुआत हुआ था फंडामेंटल राइट्स, जैसे पहली बार जो ह्यूमैनिटी को जाना गया कि एक ह्यूमन के पास होना चाहिए एक वेल बींग, ठीक ना, अच्छे से जी वेल वेल फाउंडेड जो होता है उनके पास रहना चाहिए, कि एक अच्छा राइट्स होना चाहिए जिससे कि वो अपना प्रॉपर राइट को इंजॉय कर पाए, तो राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स हम लोग कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल रिव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, जुडिशियल रिव्यू का वीडियो नहीं देखे बच्चे लोग जाकर देखो ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक पावर है जो कि दिया गया किसको, कि कोर्ट को दिया गया है, अगर कोई भी काम होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई लेजिस्लेचर जो होता है, कोई बॉडी होता है, कोई ऐसा कानून बनाता है जिसको फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है या कॉन्स्टिट्यूशन में, या तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है जिसको जितना पावर दिया गया उससे ऐसा, मतलब कोई भी सरकार है ऐसा कानून बना रहा है ठीक ना, ये सरकार देख लीजिए वो ऐसा कानून बना रहा है कि इस क्षेत्र में रह करके नहीं बना रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा बना रहा है, वो गलत हो रहा है, तो उस क्या कर जुडिशियल रिव्यू का पावर इस्तेमाल करके कोर्ट क्या करेगा, उसको क्या कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं, वो अमेरिका से लिए हैं। उसी तरह से माय डियर क्या है, ठीक है, सिक्स नंबर जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम अमेरिका से लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहने का मतलब कि हम न्याय, आज जो हम भरोसा करते हैं न्याय व्यवस्था में, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के कारण, अगर हमें किसी को न्याय देना है तो क्या है, वो फेयरनेस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ओके ना। उसके बाद ये अगर फेयरनेस और इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, जो जज जो होते हैं, अगर मान लीजिए ये जज है, अगर इसको अपना
सैलरी इसको नहीं मिलता है, इसको पावर जो किसी से कंट्रोल किया जाता है, तो क्या ये किसी को मान लीजिए जो पावरफुल इंसान होगा नेता लोग, ठीक ना, बोले अगर तुम मेरे खिलाफ जज अगर मेरे खिलाफ क्या करते हो जजमेंट देते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा, तो ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है कि इनका जो सैलरी होता है वो अलग तरीके से होगा, इनका इन सैलरी इनको अलग तरीके से मिलेगा वो, ओके, उनका जो पावर उनको अगर रिमूव भी करना है तो इतना आसान नहीं है जज उनको हटाना ऐसा, ओके, तो हर चीज से उनको इंडिपेंडेंट रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने का मतलब कि ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर प्रोटेक्ट करना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे और इससे ऊपर कोई नहीं, ठीक ना, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है मतलब करना, ओके, ताकि उनकी पावर को सिक्योर करे और जो जस्टिस सिस्टम जो है सबको इक्वल मिले। इसीलिए कहते हैं कि रूल नो वन इज अबव द लॉ, मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं, तो कानून की जो कानून का रक्षा करने वाला लोग की संविधान की रक्षा करने वाला कौन है, वो जुडिशरी है, जज है, ठीक ना, तो इसीलिए उनको इंडिपेंडेंट रखा जा रहा है। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग कहाँ से लिए हैं, वो लिए हैं बाबू लोग यूएसए से लिए हैं, समझ गए, ओके माय डियर। अब हम लोग सबसे लास्ट पढ़ते हैं कि क्या है द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक प्रीम्बल क्या है, प्रिम्बल जान लीजिए, प्रिम्बल जो होता है किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्शन होता है कि एक वो बेसिक आइडिया देता है और फिलोसफी होता है कि उस एक्ट में आपको क्या क्या हाँ मिलेगा, ठीक ना, क्या क्या हमें पढ़ना है, तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक प्रिम्बल जो हम पढ़ते हैं, ओके ना, वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है प्रिम्बल का। तो आप देखिएगा हम प्रिम्बल जो है, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का बुक उठाइएगा, देखिए ये मेरे पास अभी जो है ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का बुक दिखेगा वहां प्रीएम्बल लिखा होगा, तो ये मेरे पास जो बुक है ये देखिए ये मैं ये बुक पढ़ता हूँ मैं, ठीक ना, ये बुक मैं पढ़ता हूँ, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ जेन पांडे का ये बुक है, तो इसमें हमें लिखा होता है, ठीक है, तो समझ गए बच्चे लोग, ओके। तो हम लोग का हो गया ये क्या 7th, हम लोग प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिए, हम लोग ये लिए हैं, हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं कनाडा, कनाडा से हम लोग क्या क्या लिए हैं जरा हम जानने की कोशिश करेंगे, ओके ना, कनाडा से हम लोग लिए हैं, ये हम लोग लिए हैं सेंट्रीफ्यूगल फ्रॉम द फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्ग देन द स्टेट। तो यहाँ ये जो हम लोग जो ये जो क्या कहते हैं फेडरलिज्म जो लिए हैं सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग, सेंटर क्या है इसमें स्ट्रॉन्ग, तो सेंट्रल का जो स्ट्रॉन्ग जो पावर है किसके, मतलब कि स्टेट से ही पावर होता है, कौन सेंट्रल पावर होता है, तो ये जो पावरफुल जो स्ट्रोंग सेंटर जो है, सेंटर स्ट्रोंग का जो है जो हम लोग फेडरलिज्म का सिस्टम है जहां पर वेयर द सेंट्रल इज स्ट्रोंग देन क्या स्टेट से, तो सेंटर को ज्यादा पावरफुल रखा गया है फेडरलिज्म सिस्टम में, तो ये जो पावरफुल सिस्टम जो है वो कहाँ से लिए है, सेंटर को ज्यादा पावरफुल देने का जो सिस्टम है वो कनाडा से लिए है, ओके, ये थोड़ा सा इसी का है इसी लाइन, ठीक ना, तो टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया होगा आगे पीछे थोड़ा देख लीजिएगा, ओके ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेसिडुअरी पावर वेस्ट विद दिस सेंटर, देखिए ये जो है निहित है, वेस्ट मतलब निहित है, रेसिडुअरी पावर कहने का मतलब देखिए ये जो है पावर जो है ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा ध्यान समझिएगा बच्चों, ओके, रेसिडुअरी पावर कहने का मतलब ये है कि अगर तीन तरह का लिस्ट है, अगर सरकार को कानून बनाना है किसी तरह का, मान लीजिए सरकार को कानून बनाना है, तो ये तीन लिस्ट होता है, पहला पहला होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये तरह का होता है। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में कौन बनाता है कानून, इसमें सिर्फ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, और स्टेट लिस्ट में सिर्फ क्या है स्टेट बनाता है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है उसमें क्या है दोनों बनाता है, ये स्टेट भी बनाता है कानून बनाता है और सरकार ये क्या करता है स्टेट भी बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाता है, लेकिन कुछ ऐसा बाद में जो होता है मान लीजिए इसे ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है कि सब्जेक्ट विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द लिस्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज नोन एज रेसिडुअरी पावर, तो ऐसा कुछ भी ऐसा लिस्ट होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मतलब ये तीनों जो है लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस सिचुएशन में कानून कौन बनाएगा, ठीक है ना, स्टेट बनाएगा या सेंटर बनाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या है जो विश्व जो है पावर जो है सेंटर के पास है, तो वैसे स्थिति में सरकार कौन बनाएगा कानून बनाएगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए जब ये कानून बन रहा जो जब ये संविधान तैयार हो रहा था तो उस समय क्या आप जानते थे कि
कि हम जो है अभी जो कंप्यूटर से हम लोग काम करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ठीक है ना, ई कॉमर्स जो बिजनेस करते हैं हम लोग, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, साइबर क्राइम जो आज इतना ज्यादा हो रहा है ठीक ना, उसके एटीएम से पैसा निकालना हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया बाय द यूपीआई, तो इस तरह का जो उस समय जो जो सिस्टम था उसमें नहीं था। तो ये सारी चीजें क्या आफ्टर अभी ये तो तुरंत लाया, अभी ना अभी के समय में ये सब चीज अवेलेबल हुआ ना, तो इस पर भी कानून बनाना जरूरी है। तो अभी कोई भी चीज नया आता है जो कि तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वो कौन बनाएगा? उस कानून को बनाने वाला, उसके पास पावर किसके पास? सेंटर के पास पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है। तो अकॉर्डिंग जिससे कि समय के साथ हर चीज चेंज होते रहता है ठीक है ना, कब क्या होगा किसी को नहीं पता था। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसा चीज होता है जो कि नया है, ये तीनों चीज में शामिल नहीं है, तो कानून कौन बनाएगा उसको? उसमें बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगा। इससे अरिस्टोडरी पावर इसी को कहते हैं, अतिरिक्त पावर। कहने का मतलब कि हिंदी मीनिंग कहें तो अतिरिक्त पावर ठीक ना, तो इसका पावर है सेंट्रल का पावर है, समझ गए बच्चे लोग? एकदम बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे, बोरिंग मत होना यार तुम लोग, एकदम बहुत मेहनत करके बनाते हैं कोई वीडियो को। ओके आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर जो है, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट। तो ये जो थर्ड नंबर में जो बात करते हैं क्या है, सेंटर अपॉइंट द गवर्नमेंट एट द स्टेट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, तो ये जो पावर है जो अपॉइंट करने का है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको? गवर्नर को अपॉइंट कर प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये सिस्टम जो आया है कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट और सेंटर अपॉइंट्स दी गवर्नर्स एट द स्टेट। तो ये पावर कहाँ से आया है? कनाडा से। हम लोग का जो रूल आया कनाडा से हम लोग लिए हैं, बोरो किए हैं ठीक है। एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये आप इसका मतलब भी आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग का ठीक है, ध्यान समझिएगा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसका कहने का मतलब बाबू लोग ये है ठीक ना, कि जो भी ऐसा कोई भी मैटर आता है ठीक है, इफ एनी अ मैटर ऑफ लॉ और लोअर कोर्ट और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेक असिस्ट और एडवाइस फ्रॉम द हाई कोर्ट इज नोन एज अ ठीक ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून को भी आता है जो ऐसा मैटर होता है कि लोअर कोर्ट होता है या हाई कोर्ट स्मॉल कोर्ट होता है ऐसा डिमांड करता है कि हाँ उस कानून को क्या करना, एडवाइस करना है कि उस कानून में उनको समझ नहीं आ रहा कि एक कौन सा फंक्शन कैसे करना है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो उसका पावर होता है हाई कोर्ट के पास भी ठीक है, तो एडवाइस करता है कि कौन सी चीज फंक्शन कैसे करना है, तो वो किस तरह लोअर कोर्ट को गाइड करता है। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या होता है, वो हमेशा बदलते रहता है, तो गाइड करने का जो पावर जो है किसको देता है? एडवाइस करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है, तो सुपीरियर कोर्ट को देता है, अपिक्स कोर्ट। ओके तो अभी तक हम लोग कनाडा से चार चीज लिए हैं जो आप लोग समझ गए बच्चा लोग। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर, ऑस्ट्रेलिया। तो इस ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं कंकरेंट लिस्ट। देखिए कंकरेंट लिस्ट का भी जब मैं चर्चा कर रहा था, तो कंकरेंट लिस्ट कहने का मतलब जो है कि ऐसा मैटर ठीक है ना, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट है, और ये मान लीजिए क्या है, ये है कंकरेंट लिस्ट। तो ऐसा मैटर जहां पर स्टेट भी कानून बना सकता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। तो ये जो लिस्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से लिए हैं? हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं बच्चों। ओके आगे बढ़ते हैं माय डियर ठीक है, मेरा सोना चांदी इतना मोटी रे हम लोग, अगर हम एकदम वेट करो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं ठीक है, मस्त तुम एकदम खाना पीना खा लो तुम लोग ना, सब बस्ट हो, अभी तुम खाना पीना खाए भी नहीं तब भी वीडियो बना रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग ये आप लोग पढ़ाने के बाद खाएंगे अच्छे से। ओके ना चलिए बात करते हैं जॉइंट, इसके बाद आर्टिकल 108 इज दैट जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस। देखिए ये ऐसा सिचुएशन है, जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस जो होता है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी है। तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी कहने का मतलब क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन रिसोल्व, ऐसा स्थिति जहां पर होता है कि डेड लॉक हो जाता है। डेड लॉक कहने मतलब कि जो दोनों हाउस होता है क्या, पार्लियामेंट में जो हो जो हाउस दो होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है, दोनों में क्या होता है किसी को किस तरह रुकावट आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, जैसे कि कोई भी बिल जो होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता, कोई भी मान लीजिए लोकसभा है एक बिल पास करता है ठीक ना, ये बिल हो गया, एक बिल पास होता है, इस बिल को पास करना एक राज्यसभा में पास करना, तो ये बिल का रिजेक्ट कर देता है राज्यसभा के द्वारा, अरे पास हो ही नहीं रहा है ठीक ना, या कोई ऐसा अमेंडमेंट हो रहा है तो ये क्या है, डिसएग्री हो रहा है अमेंडमेंट करने में, ऐसा किसी तरह का 6 मंथ उसमें काम नहीं हो रहा है, स्कैप हो जा रहा है उसमें काम, अभी उस 6 मंथ उस मैटर पर काम हो नहीं रहा है, तो उसमें क्या कर रहा हो, उसमें क्या होगा, उसमें जो जॉइंटिंग मीटिंग होता है, जॉइंटिंग सेटिंग होता है
जिसमें कि स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, डिप्टी स्पीकर वहां पे बैठते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के। उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, फिर चैम्बर, उसके बाद अगर वो भी नहीं होते हैं तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी बैठते हैं, तो ठीक है। तो वो दोनों में वो सब बैठ कर क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर इशू पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं वो लोग, और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कानून बनता है जो कि इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है, तो क्यों, कब, कैसे उसका क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाता है। ये ज्वाइंट मीटिंग होता है सबका। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ओके। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, ओके। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल, तो ये जो है किस, ये जो है जो ये कॉन्सेप्ट जो लिया हमने, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल, मतलब व्यापार करने का, ट्रेड करने का जो होता है, व्यापार हो गया, कॉमर्स, कॉमर्स मतलब व्यापार करने का जो है हम लोग को, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये फ्रीडम है, किसी भी व्यक्ति को हम लोग व्यापार कर सकते हैं, चाहे इंडिया का कोई भी नागरिक है, ठीक है, वो व्यापार कर सकता है कहीं भी इंडिया में, ठीक है। तो फ्रीडम देता है हम लोग को क्या, व्यापार करने का अपने अकॉर्डिंग, जो हम लोग चाहे अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि व्यापार फ्रीडम का हम ये बोल दें कि फ्रीडम है व्यापार करने का, तो ये मतलब नहीं कि आप लोग जाके कुछ ड्रग्स, गांजा ये सब बेच रहे हो, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आपको वैलिड होना चाहिए, ओके। तो बाबू लोग अभी हम लोग खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा रशिया से हम लोग क्या लिए हैं, ठीक ना, यूएसएसआर जो नाउ पहले कहा जाता था, लेकिन अब नाउ अभी रशिया कहा जाता है उनको, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी मैंने बात किया था यूएसएस हम लोग लिए थे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अगर हम लोगों के पास अधिकार दिया गया है तो हम लोग को एक कर्तव्य तो होना चाहिए ना। तो एक हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, एक कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, एक हमारे अपने देश के प्रति होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स, एक हमारा कर्तव्य होना चाहिए हर किसी के व्यक्ति के लिए। तो जो कर्तव्य है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये हम लोग रशिया से लिए हैं बाबू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर, सभी बच्चों लोगों को ध्यान सुनिएगा। सेकेंड, हमने दो चीज लिए हैं रशिया से, ठीक है, दो चीज याद रखिएगा, पक्का पूछा है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, सॉरी द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इन दी प्रीएम्बल। तो हम लोग जो जो आइडिया, जो जस्टिस का सिस्टम है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस में, तो ये जो है जस्टिस है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये हम लोग ये रशिया से लिए हैं, और एक्सप्रेस इन द प्रोवि इन दी इन दी प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में आप देखिएगा कि एक ये चीज जुड़ा हुआ है, क्या जस्टिस जो है, किसी आपको जस्टिस मिलना चाहिए किस बेसिस पर, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। तो ये तीन का जो आइडिया जो है, जो ये हम लोग जो कहाँ से लिए हैं, वो लोग हम लोग रशिया से लिए हैं, और ये हमारे शामिल किया गया है कहाँ, प्रियम्बल पे शामिल किया गया, आप जरूर देखिएगा प्रियम्बल, और पढ़ते हैं तो ये चीज पक्का हम लोग पढ़ते हैं, ओके ना। बस हम लोग पीसी बंद होने वाला, जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं, ओके ना। तो बस दो चीजें प्रॉपर, अरे बोरे, मतलब कि ये पीसी जो है बड़ा खत्म भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप तो नहीं हो रहा है, तो बंद भी हो सकता है, ओके ना। चार्जर मेरे पास तो नहीं है, फटाक फटाक से 12% बैटरी, फटाक जल्दी से पढ़ाता आप लोग, ठीक है। फ्रेंच से क्या लिया गया, फ्रेंच से द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक लिया गया। रिपब्लिक कहने का मतलब कि जो होता है क्या, कंट्री दैट हैज इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक ना। तो रिपब्लिक कहने का मतलब कि जो लोग जो होते हैं क्या करते हैं, गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। तो जो कंसेप्ट हो, जो रिपब्लिक है, वो कहाँ से लिए हैं, फ्रेंच से हम लोग लिए हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, लीडर को हम खुद ही चुनते हैं, हम लोग खुद ही अपना चुनाव करके भेजते हैं उनको, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हम लोग जो है, लिबर्टी कहने का मतलब कि जो है हमारे पास स्वतंत्रता है विथ रिस्ट्रिक्शन। हमारे पास लिबर्टी कहने का मतलब दो चीजें, आपको स्वतंत्रता भी दिया गया है और साथ में कुछ आप पे पाबंदी भी लगा दिया गया है, दोनों चीज है। तो लिबर्टी, लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 21 देखिएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो वो जो है आर्टिकल 21 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेगा, ओके। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी समानता हो गया, फ्रेटर्निटी भाईचारा, तो ये सारी चीज जो है कहाँ पे, हमारे कंटेंट इन दी इन दी प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए हैं, ये हम लोग कॉन्सेप्ट लिए हैं फ्रेंच से लिए हैं, ओके। जर्मनी, जर्मनी जो है उससे हम लोग क्या लिए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब फंडामेंटल राइट दिया गया, तो फंडामेंटल राइट दिया गया तो उसको सस्पेंड करने का पावर है, ठीक है। तो ये जो है, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या हुआ, सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे कभी कोरोना था तो हम लोग राइट ऑफ मूव जो है हम लोग घूम सकते थे, राइट टू फ्रीडम, ठीक ना, एक्सप्रेशन, तो उसको बंद कर दिया गया था, ओके। तो राइट टू जो
तो सस्पेंड कर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड कर दिया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऐसे मान लीजिए अभी कोरोना हो गया था तो इमरजेंसी था, हम लोग नहीं घूम सकते थे कहीं भी किधर भी। ओके अगर जा घूमते तो पुलिस डंडा लगाता हम लोग को। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा फंडामेंटल कौन सा राइट मतलब रोक दिया गया था, राइट टू मूवमेंट। तो राइट टू मूवमेंट जो था वो क्या हो गया, वो क्या और वो क्या कर दिया गया था, उसमें रोक लगा दिया गया कुछ समय के लिए, ठीक, सस्पेंड कर दिया जा सकता है। ओके ऊपर वो इसीलिए फंडामेंटल राइट जो है क्या एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो कभी भी खत्म हो सकता है ऐसे। और ये जो है, ये जो हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी लिए थे, ठीक ना, ये चीज हम लोग ड्यूरिंग इमरजेंसी का। ओके ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी इस पे लिए, तो ये चीज हमें यहाँ एक्स्ट्रा में लिख दिया था क्योंकि छूट गया था इसीलिए। ओके ना, साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या लिए, साउथ अफ्रीका से लिए हम लोग देखिए इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन जो होता है कैसे होगा, तो वो जो है इलेक्शन मेंबरों का जो इलेक्शन होता है, ये जो इलेक्शन कैसे होता है उनका होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना। जो रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग भेजते हैं लोकसभा में या विधानसभा में जो भी लोग हैं, जो लोग होते हैं वो लोग चुनाव करते हैं उनका, ठीक, इनडायरेक्ट चुनाव होता है उनका। ओके ना, तो राज्यसभा में चुनाव इलेक्शन जो होता है वो राज्यसभा का वो कहाँ से लिया गया है, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो ओके ना, ये कंसेप्ट। उसी तरह से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंडमेंट करने का जो समय आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोग अमेंडमेंट करते हैं बच्चों। तो वो जो हम लोग लिए हैं वो साउथ अफ्रीका से लिए हैं। तो हम समय समय बदलाव होते रहता है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पर अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो अमेंडमेंट होना भी चाहिए। ओके ना, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कभी कभी सिक्योरिटी सिचुएशन हम लोग काम नहीं आता है, ठीक है, तो उनको बदलना बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा है, अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया है, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। थैंक यू, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जापान से। जापान से जो लिए हैं जो कंसेप्ट ऑफ द, देखिए सबसे मोस्ट ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। ओके ना, बैटरी बस मेरा चल जाए 11% है, अगर नहीं होता है तो आप लोग कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। तो ये जो कंसेप्ट हम लोग जो लिए हैं क्या चीज का, ये जो हम लोग कंसेप्ट लिए हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये जो है माय डियर, आप थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा क्योंकि थोड़ा सा इसलिए मैं रुकने कह रहा हूँ क्योंकि अगर मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं भी क्या होगा ना, आप लोग का मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितना अच्छे से मेहनत से, वो क्या होगा खत्म हो सकता है। तो चार्ज में भी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक सेकंड बस रुकिएगा, मैं इसमें ही जा रहा हूँ सर, जाना बहुत जरूरी पड़ा है, लेट नहीं करेंगे। ओके ना, लेट नहीं कर रहे हैं तो बच्चा, तो हाँ सॉरी। तो चलिए हम लोग वीडियो को लेट सॉरी आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जापान। तो मे भी शायद लैपटॉप बंद हो सकता था इसीलिए मैं कर लिया बच्चों, ठीक है, सॉरी रहेगा, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं जापान। जापान जो है बच्चे उसमें क्या पढ़ना है मुझे, कंसेप्ट जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इसका जो कंसेप्ट है अब मैं आप लोग अच्छे से बता पाऊंगा ताकि डिटेल में समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि नोट्स में बनाया हूँ खुद भी ताकि आप लोग समझा पाऊँ। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है, जैसे कि जो है कि कोई भी लॉ, ठीक है ना, मान लीजिए अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी कानून होता है, ये मान लीजिए एक लॉ है, ठीक है ना, जिसपे कि मान वुमेन प्रोटेक्शन पे कानून बनाना है। तो वो अगर वुमेन प्रोटेक्शन पे कानून बनाना है तो उसको क्या करना, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होता है वही बनाएगा, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि जो कि एक नेता, ये जो है लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर विधायिका, तो इसको कानून बनाना है तो एक कानून बनाने के लिए उनको क्या एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बिना प्रोसीजर के वो कानून नहीं होगा। तो उसमें देखा जाएगा कि जो कानून बना रहा है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कानून बना देगा तो हमारे देश में लागू हो जाएगा। तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए कि वो कानून बनाए हमारे देश के लिए, और वो जो है लो द लो इज मेड बाय वैलिड प्रोसीजर। तो वो जो प्रोसीजर जो होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उनके पास बहुत सारे पावर है, तो क्या करेंगे अपने मन से किसी भी तरह का कानून बना लेंगे और वो क्या करेंगे किसी भी देश में क्या करते हैं वो इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। और कोई भी जो लेजिस्लेचर जो प्रोसीजर है कि कोई अब संसद में आपको पेश करना है, बिल पेश करना है, पास करना है, इतना मेजोरिटी से पास करना है, तो वो सब कुछ नहीं होता है तो क्या इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, वो वॉइड हो जाएगा। तो आपको कोई भी कानून बनाना है तो उस चीज़ को क्या करना है, वो चीज़ को वैलिड करना है आपको, ठीक है, वो मतलब एक प्रोसीजर से आपको क्या, देखिए प्रोसीजर से बोल रहा है,
प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो कोई भी जो कानून बनेगा एक प्रोसीजर से बनेगा हमारे देश में। तो जापान का जो कॉन्सेप्ट यही है, हम लिए हैं कि किसे एक प्रोसीजर जो होता है वो अच्छे से होना चाहिए कोई भी कानून बनाने के लिए। अगर वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा तो जुडिशरी क्या करता है उसको, वाह मान लीजिए कानून है, कानून बन गया, देखता है जुडिशरी प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया गया अच्छे से, जुडिशरी क्या कर रहा है उसे पावर है उसको वॉइड भी कर सकता है, ठीक ना। तो फंडामेंटल राइट किसी चीज का अगर दिक्कत करेगा तो उसमें क्या, जुडिशरी विल बी वास्ट प्रोविजन दैट जुडिशरी, ये तो बोलेगा नहीं आपको इस तरह से बनाए हो, जुडिशरी सिर्फ प्रोविजन देखता है, जुडिशरी ये नहीं देखेगा कि कहाँ सब बनाए किसे बनाए, वो देखेगा कि प्रोविजन देखेगा कि ये प्रोविजन जो है वो किसी भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, किसी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वोलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सारी चीजों को देखता है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली माय डियर हम लोग कंप्लीट कर लिए माय डियर बच्चों, इधर बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग कंप्लीट कर लिए। हाँ बहुत ही आप लोगों का लंबा वीडियो लगा होगा लेकिन इतना अच्छे से बताया आप लोग ना एकदम। और बच्चों किसी तरह का नोट चाहिए आपको इसका ना, तो आप लोग क्या करोगे डाउनलोड करोगे माय डियर बच्चा लोग, आप लोग डाउनलोड करो कहाँ से, टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, अब बस इतना ही डिमांड है हम लोग का, ओके ना। बस ये डिमांड जो है इतना डिमांड है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक का बटन ठोक दो, हमको खुश कर दो, बस इतना ही डिमांड है। तो चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, लव यू ऑल माय डियर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। किसी तरह का डाउट्स होगा पूछ लेना, कमेंट कर लेना, घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर, ओके ना, बाय बाय।